ये है तिरुवल्ला स्टेशन, मैं जा रही थोड़ा घूमने के लिए। ओके ये ना शादी के घर के बालकनी का व्यू है, देखो ना। दिस इज अ ग्रुप दैट ट्रैवल्ड टू कोयम्बतूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी स्टेज वर्ड्स। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते राइट, और इंट्रोडक्शन है आली सांटी, अद्रिजा चेची, और हम सब घूमने गए थे, ईशान फाउंडेशन देखने गए थे, और ये है मीनम माई, सोमेट एंड शारी, उसकी बेबी विजयंटी, और ये है हमारा ब्रेकफास्ट। ओके, मसाला दोसा बोला है और रियली एन्जॉयड द ट्रिप। तो जैसे जैसे वीडियो चलेंगे मैं बताती जाऊंगी। ये मैं और ग्रेसी चीची और जलजा चीची। हम लोग पालक्काड़ क्रॉस करके तमिलनाडु एंटर किए हैं कोयम्बतूर में, एंड द व्यू इज वेरी अमेजिंग, लाइक आई कैचिंग है। ये देखो, ये है सुपारी का खेती है, झाड़ लगा हुआ है एंड इतने सजा के लगाए एक के पीछे एक, इन अ वेरी गुड रूज, तो देखने के लिए भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे साइड में पहाड़ी है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स जम गया है। मैं आपको अगर मैं ऐसे बताऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, पर देखने में जो मज़ा आ रहा था, वी वेर रियली एन्जॉइंग इट, एटलीस्ट आई एन्जॉयड इट अ लॉट बिकॉज आई लव नेचर। पानी जहाँ हो, फिर पहाड़ जहाँ हो, जंगल जहाँ हो, वहाँ तो मुझे होना ही होना है। अभी सुपारी का खेती हो के ये अभी नारियल का खेती है, कितना सही लग, देखो ब्यूटीफुल नेचर। मेरा अगर बस चलता तो मैं शायद गाड़ी से उतर के थोड़ा एक टहल के भी आ जाती, लेकिन क्या करे, सब लोग साथ में थे। बोले कि लड़की पागल है जो नारियल के खेती के अंदर जा रही है। आई जस्ट केप क्वाइट, आई डिड नॉट टेल एनीवन, बट आप लोग ही देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके, एंड नारियल भी लगा हुआ, ऐसा नहीं कि नारियल नहीं है, नारियल भी लगे हुए हैं उसके ऊपर, और ये जगह देखो कितनी खूबसूरत है। रियली 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 ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग अभी ईशान फाउंडेशन पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पे शिवरात्रि महोत्सव सदगुरु जी मनाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, शाम के 6 बजे से दूसरे दिन सवेरे 6 बजे तक लाइव परफॉर्मेंस होता है। सदगुरु जी तो अपने होशो आवाज़ खो बैठते हैं,
अभी ये हमारा पूरा गैंग है चल के जा रही है। उस शिव का जो बनाया है मूर्ति बहुत ही लाजवाब है। दिस इज मी एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल व्यू। ये जितना देखने में लाइव देखने में खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत फोटो में भी है। ये पूरा सराउंडिंग का व्यू है। पीछे जो क्लाउड्स दिख रहा है एक्चुअली वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आ गया है वो, एंड ये पूरा पहाड़ से घिरा हुआ जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी देर तक वहीं पर रुक जाऊँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल, रियली वंडरफुल। और बरसात का मौसम भी था, हल्का हल्का सा बारिश भी हो रहा था, तो क्या कहने, एकदम लाजवाब था। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एक्चुअली देर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इट्स सो अमेजिंग। आई जस्ट कुडंट वॉन्ट टू से टेक ऑफ माई आईज फ्रॉम दोज ब्यूटिफुल माउंटन्स, दोज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, द सराउंडिंग। इट वॉज जस्ट लवली, जस्ट लवली। To all those who are watching my video, I would suggest at least once go and visit this place. This is just the outer part. Inside there is plenty of other things to watch. Unfortunately, photography and video is not allowed over there. This is Kerala's first tunnel, the Kudiran Tunnel. It is 1.6 km long and it runs through Pichi Varehi Wildlife Sanctuary. This tunnel was opened somewhere in July 2021. A very long way, 1.6 kilometers. Those who have not been into a tunnel, anytime you are always welcome to Kerala. शादी के बाद थोड़ा सा घूमने गए थे, घूमे भी कहाँ, शॉपिंग करने कल्याण सिल्क्स में। अ वेरी ह्यूज शॉप, यू गॉट वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल्स, साड़ीज ऑफ ईच टाइप, यू नेम इट एंड यू हैव गॉट इट ओवर देयर। അതാണ്
പേടി പോലെ നോക്കണ്ട അവര് കണ്ട ഒരാള് അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് ആക്കിയ തല അല്ലേ गॉसिपिंग एक अंदर बैठा है काड़ी कंपनी Going back from Thrissur without visiting the temples was not possible. So we visited Vadakkanathan Swami Temple, Tiruvambadi and Paramekava. It was actually a dream come true for me because this was my first visit over there. Shopping, shopping and shopping at Jayalakshmi Sales. Once again, for a small shopping. If you're lucky, you can see a peahen over there. Jump down. Or a close-up smile. Was lucky enough to visit one of the biggest churches of Thrissur. Next to this church, there is a Bible Tower. The Bible Tower is, I think, of 20 floors, and on each floor, paintings are there, carvings are there. A very beautiful place to visit. Those who are going over there, please do visit the Bible Tower. You can, in fact, see the whole of Thrissur city standing on top of that tower. On the 20th floor, if you walk around, you will see the whole of Thrissur.
അവിടെ കൊണ്ടിടാ അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട് ആ ഡ്രമ്മിനകത്ത് കൊണ്ടിട് തുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫുൾ തൃശ്ശൂരിലെ വ്യൂ കാണാം. വീടുടി മോളെ വീഴുന്നി വിട് ഒക്കായി നല്ല തൃശ്ശൂരിലെ വ്യൂ ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ്. ബുക്സൊക്കെ പഴയ ബുക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൾഡ് ബുക്സ്. I hope you all have enjoyed watching our video. Those who are watching our video for the first time, please like, share, comment and subscribe. Do not forget to hit the bell icon to get notified. Jai Hind!